हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छतरपुर शहर में भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ रविवार को तमराई मोहल्ला के स्वामी जू मार्ग स्थित स्वामी जी मंदिर से हुआ। बैंडबाजी, ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के बीच भगवान का रथ अन्नपूर्णा मंदिर पहुंच गया है, जहां भगवान जगन्नाथ अगले 3 दिनों तक विश्राम करेंगे। इस दौरान अन्नपूर्णा मंदिर में विविध धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे। आयोजन समिति के सदस्य पंडित अखिलेश पौराणिक ने बताया कि रविवार की शाम 5 बजे वैदिक पूजा अर्चना के बाद रथ यात्रा शुरू हुई, जो कि शुक्लाना मोहल्ला, चौराहा, गोवर्धन टॉकीज, केडिया मंदिर, गांधी चौक से गल्ला मंडी, अन्नपूर्णा मंदिर होते हुए पुराने तहसील प्रांगण पहुंची है, जहां भगवान 3 दिन तक विश्राम करेंगे। मैं संतोष ताम्रकार, क्या कहेंगे, कितना उत्साह है इस समय? अपार उत्साह है। हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी जन जन को दर्शन देने के लिए निकले हुए हैं। जो भक्त आ नहीं सकते थे, उनका हाल चाल जानने के लिए, उनकी राजी खुशी जानने के लिए, हमारे महाप्रभु श्री जगन्नाथ आज जन जन को दर्शन देने के लिए निकले हुए हैं। और हमारे महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी सुखमय रहे, शांतिमय रहे और अपना जीवन आनंदमय व्यतीत करें, ऐसी कामना करते हुए हम सभी श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। ये समस्त कार्यक्रम श्री लाल कड़क रामलीला समिति के तत्वावधान में पुरानी तहसील प्रांगण में संपन्न होंगे। 15 जुलाई को रथयात्रा महोत्सव का विराम होगा और इसी दिन हवन, शांति और प्रसाद वितरण कार्यक्रम भी होगा। वहीं आयोजन समिति के सदस्य संतोष ताम्रकार ने बताया कि रथयात्रा को लेकर भक्तों में अपार उत्साह है। हमारे महाप्रभु स्वामी जगन्नाथ जन दर्शन हेतु नगर भ्रमण पर निकले हैं, लोगों को उनके दर्शन और आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहे हैं। मैं पंडित अखिलेश पौराणिक जगन्नाथ स्वामी मंदिर परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी आज रथ यात्रा के रूप में अपने भक्तों का हाल जानने के लिए निकले हैं। यह समस्त जनता जनार्दन का सारा हाल जानने के लिए निकले हैं, सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए। आज यह यात्रा मंदिर से स्टार्ट होकर के देखिए आप जो रथ यात्रा चल रही है, इसमें विशाल जनसमूह साथ में चल रहा है, घंटा झालर बज रहे हैं और यह गांधी चौक, अन्नपूर्णा मंदिर और महल चौक कोतवाली होते हुए तहसील प्रांगण पहुंचेंगे। महाप्रभु सबके लिए दर्शन के लिए सुलभ उपलब्ध रहेंगे। सभी जनता जनार्दन से आग्रह है कि वह जनता जनार्दन भगवान के दर्शन के लिए पधारें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी, जय जय श्री जगन्नाथ स्वामी। बहुत धूमधाम से और बहुत आकर्षित तरीके से भगवान जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है, तमराई मोहल्ले से निकाली जा रही है और बहुत ही उत्साह है युवाओं में। तो युवक आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, महिला वर्ग भी बहुत प्रसन्न है, युवा भी वर्ग में और अपने छतरपुर के सब युवा इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं।